हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइजिंग चैंप्स के यूट्यूब चैनल पे। तो इसी के साथ आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एवरेज टॉपिक के टाइप नंबर सिक्स से। टाइप नंबर सिक्स जो है जनरली आपका पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है और हम लोग फिलहाल पार्ट नंबर वन पे हैं। और टाइप नंबर सिक्स एक्चुअली है क्या, मतलब पैटर्न एक्चुअली किस टाइप का पैटर्न है, तो उसको समझने के लिए पहले हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसका फिर पैटर्न समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि पैटर्न यानी कि क्या, कि मैं एक तरीके का आपको एक सॉल्यूशन का पैटर्न बताऊँगा, जिसको आप सॉल्यूशन जो है बहुत ईजी वे में कर सकते हो, कैलकुलेशन अवॉइड कर सकते हो। बट उसके लिए पहले समझते हैं कि क्वेश्चन कैसा है और उसको कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व किस तरीके से किया जा सकता है, और फिर हम लोग बाद में इसके ट्रिक के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या है, ओके, हाँ एक चीज़ और कि टाइप नंबर सिक्स में एक्चुअली टाइप नंबर सिक्स कैसा है कि अगर आपको बड़े ग्रुप्स दिए गए, मान लो 40 लोगों का ग्रुप है, अगर इसमें मुझे सिर्फ एक ही बंदा ऐड करना हो या एक ही बंदा सब्ट्रैक्ट करना हो, तो हम लोग टाइप नंबर सिक्स का पैटर्न यूज़ करते हैं। ठीक है ना, पैटर्न किस पर्टिकुलर टाइप के लिए यूज़ करते हैं वो समझ ले रहे हो, कि अगर बड़े बड़े ग्रुप्स हो और उसमें सिर्फ एक ही बंदे को ऐड करना है या एक ही बंदे को ग्रुप से निकाल देना है, या कभी कभी रिप्लेस भी करना होता है, एक बंदे को निकाल कर एक बंदे को ऐड कर लेना तो रिप्लेस हो जाता है, तो वैसे क्वेश्चन में हम लोग पैटर्न यूज़ करते हैं। ठीक है ना, अभी तक किसी भी टाइप में हम लोगों ने इस तरीके की चीज़ें नहीं देखी कि एक ही बंदे को मैं निकाल रहा हूँ या एक ही बंदे को ऐड कर रहा हूँ, तो टाइप नंबर सिक्स में वैसा क्वेश्चन जो है यूज़ होता है और उसमें हम लोग पैटर्न यूज़ करते हैं। बट पैटर्न कैसा होगा, पहले बात तो उसको समझने के लिए इसको कन्वेंशनल मेथड से देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा है और क्या दिया है। तो क्वेश्चन में वही चीज़ है कि 20 एम्प्लॉई है, 20 एम्प्लॉई का जो एवरेज है वो है 1500, और अगर इसमें मैं मैनेजर को, मैनेजर की जो सैलरी है वो अगर ऐड कर दे रहा हूँ, देखो एक ही बंदा है, मैनेजर है, अगर एक ही बंदे को ऐड कर दे रहा हूँ तो इनका जो सैलरी है वो एवरेज है इंक्रीज हो जाता है बाय 100। तो पहले बात तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि 20 लोग हैं जिनका एवरेज सैलरी, कितना है, 1500 है, और अगर मैं इसमें एक मैनेजर ऐड कर दे रहा हूँ, अब मैनेजर के ऐड होने से इनका जो क्वांटिटी है वो 21 लोगों का हो जाएगा। यहाँ पे मैं मैनेजर लिख क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैनेजर का वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ है। ये जो 100 है ये क्या दिया है कि पहले के कंपैरिजन में जो आपका एवरेज है वो इंक्रीज हुआ है बाय 100, मतलब जो एवरेज पहले 1500 था अब कितना हो गया, 1600 हो गया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैनेजर नहीं लिखा, क्योंकि मैनेजर की वैल्यू नहीं दी गई है, टोटल वैल्यू दी गई है वो कितनी है आपकी, 1600 है, जो उस मैनेजर के ऐड होने के बाद जो एवरेज बन जाती है। तो अभी इसको अगर मैं नॉर्मल मेथड से सॉल्व करता तो आप सिंपल बोलते कि सर जैसे आपको मैनेजर का ही ढूंढना है ना, तो इन दोनों को अगर मैं माइनस करूँ तो 1 बन जाएगा। तो अगर मैं इनका टोटल निकाल लूँ, टोटल जो कि आ जाएगा इसका 30 और आगे 16 होता है, 1 कैरी हो गया, 16 हो जाएगा, और आगे 20। अगर मैं ये दोनों को माइनस कर दूं, जो कि 3600 मुझे दिख रहा है, तो ये आपके मैनेजर की सैलरी होगी। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है सर, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मुझे पैटर्न की क्या ज़रूरत है। बट मान लो अगर इसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड नंबर होंगे, जो कि आगे तो हम लोग देखने ही वाले हैं, तो पैटर्न की खास करके ज़रूरत पड़ेगी अपने को। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो 3600 है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन को डिफिकल्ट उसकी वैल्यूज़ बनाते हैं। ठीक है ना, अगर यहाँ पे 20 की जगह पे 19 होता, यहाँ पे 1500 के जगह पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड नंबर होते, अब उसका कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता, और भले ही आप जानते हो कि इसका आंसर कैसे निकालना है, बट टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा जाता। ठीक है, तो वैसे ही टाइम बचाने के लिए मेरे ख्याल से मैं ये जो पैटर्न है वो अक्सर यूज़ करता हूँ। तो टाइप नंबर सिक्स का एक और क्वेश्चन ज़रा देख लेते हैं और इसकी वैल्यूज़, अब यहाँ से हम लोग जो है पैटर्न यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। बट सबसे पहली चीज़ तो क्वेश्चन में क्या दिया गया कि एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है वो 35 kg, 24 स्टूडेंट का जो एवरेज वेट दिया गया है वो कितना दिया गया, 35 kg दिया है। अगर वेट ऑफ टीचर, टीचर का वेट अगर इस ग्रुप में मैं ऐड कर दूँ तो जो एवरेज है वो राइज हो गया, वो इंक्रीज हो गया बाय कितना, 400 grams। तो टीचर ऐड होने की वजह से एक ही बंदा ऐड होगा, एक ही बंदा एक्स्ट्रा होगा, बट एवरेज जो है वो 35 से बढ़कर 35.4 हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हो कि केजी को अगर मैंने ग्राम्स में लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 1000 करना पड़ेगा। ठीक है ना, इंटू क्या करना पड़ेगा, 1000, और अगर मैं इसको रिटर्न चला गया तो
तो डिवाइड बाय आपको 1000 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप रिटर्न जा रहे थे तो 400 को डिवाइड बाय 1000 करोगे तो 0.4 आएगा, और 0.4 को 35.4 में आप सिंपल क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, तो अगर मैं इसका आंसर निकालने जाऊँ तो अब वही बात है कि आपको पहली बात तो इसका टोटल निकालना पड़ेगा, क्योंकि टीचर का वैल्यू निकालने के लिए बस माइनस कर दो इन दोनों का टोटल 35 × 24, और इन दोनों का टोटल जो कि होगा 24 × 35.4, और इन दोनों को अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। बट मैं इसको 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करके दिखा सकता हूँ आपको, बट उसके लिए ज़रूरी है कि पैटर्न क्या है उसको ज़रा समझने की कोशिश करते कि पैटर्न क्या है। तो पहले एक सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो आपके ग्रुप में 6 लोग हैं, कितने लोग हैं आपके ग्रुप में, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, 5 लोग हैं, पकड़ लो 5 लोग हैं पार्टी करने के लिए गए, और ये सारे लोगों ने अपना जेब जो है खाली कर दिया। ठीक है, सारे लोगों ने जेब खाली किया तो पता चला कि सबके पास इतना पैसा है, बहुत पैसा नहीं है, मान लो पैसा है कि सब लोग 50 रुपये का कुछ बर्गर जो है, बर्गर पिज्ज़ा जो भी है 50 रुपीज़ का ऑर्डर कर सकते हैं। तो सभी लोगों ने ऑर्डर कर दिया कि चलो एज एन एवरेज मनी हम लोग के पास 50 रुपीज़ है, तो उतनी ही चीज़ों का सबके लिए हम लोग कॉमन ऐड ऑर्डर करते हैं। अब क्या हुआ, सडनली इनके ग्रुप में एक बंदा ऐड हो गया, एक बंदा जो है बाहर से आता है और बोलता है कि मुझे भी पार्टी करनी है, मैं भी पार्टी करूंगा। तो बोलते हैं कि जेब खाली कर दो, जितने भी पैसे जेब में है सब दे दो हमें, और फिर हम लोग देखेंगे कि कितना पैसा फिर से जमा होता है, कलेक्ट होता है, एंड देन हम लोग फिर से ऑर्डर करेंगे। तो क्या होता है कि सबके पास पैसा जमा करने से क्या होता है कि सभी लोगों को यहाँ पर 50 रुपीज़ तो स्टिल मिल रहा था, बट एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ की आइसक्रीम या डेजर्ट में बोल लूँ कि वो लोग ऑर्डर कर पा रहे थे। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो बंदा अभी अभी ग्रुप में आया है, ये बंदा जो अभी अभी ग्रुप में आया, इसके आने के वजह से ही तो उनका एवरेज जो है इंक्रीज हो गया, राइट, है ना? एवरेज इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि ये बंदा अभी अभी ग्रुप में आया ना। तो इस बंदे के पास 50 रुपीज से ज्यादा ही पैसा होगा, है कि नहीं? 50 रुपए से तो ज्यादा ही पैसा होगा ना, तभी तो इनके इनकी एवरेज बढ़ गई। तो कितना ज्यादा, बस मुझे वो फाइंड आउट करना है, उसी के लिए ये पैटर्न है कि किसी बंदे के पास अगर वो ग्रुप में ऐड होता है तो एवरेज वैल्यू से जो इनकी ओरिजिनल एवरेज थी जो कि 50 थी, उससे वैल्यू कितना ज्यादा है या कभी कभी कम भी हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके ग्रुप में, अगर आप किसी ग्रुप में जा रहे हो और उनकी वैल्यू कम हो जा रही है, दैट मीन्स आपके पास वैल्यू कम है तभी उनकी वैल्यू कम हुई, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पैटर्न के हिसाब से इस एक्स को कैसे ढूंढेंगे, एक्स को कैसे ढूंढेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ कि इस बंदे के ग्रुप के आने के वजह से हर एक पर्सन का, पर पर्सन का वैल्यू जो है कितना बढ़ गया, बाय 10 रुपीज़ बढ़ गया। या मैं बोलूँ कि डिफरेंस जो है 10 रुपीज़ का आया, पहले 5 लोगों के पास 50 का एवरेज था, अब 6 लोगों के पास 60 का एवरेज है, तो इनका जो डिफरेंस है, जो एवरेज का डिफरेंस है, मैं फिलहाल वही लिख रहा हूँ, कभी कभी कम भी हो सकता है, कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है, फिलहाल 10 है। और अब मैं बोल रहा हूँ कि एक बंदे के पास अगर 10 रुपीज़ है तो अभी ग्रुप में करंट क्वांटिटी क्या है, मतलब अभी ग्रुप में एक्चुअली बंदे हैं कितने, या फिर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं कि 10 रुपये का अगर आइसक्रीम सब लोग एक्स्ट्रा ऑर्डर कर रहे हैं तो कितने लोग एक्स्ट्रा ऑर्डर करेंगे 10 रुपये का आइसक्रीम, सिर्फ 5 लोग करेंगे क्या? ये छठा भी तो करेगा ना, ये जो अभी अभी ग्रुप में आया जिसके वजह से सबको आइसक्रीम खाने मिल रही है वो भी तो खाएगा ना, तो उसको भी अगर आइसक्रीम खाना है तो टोटल 6 लोगों के लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा वही तो मैं निकाल रहा हूँ, ये कितना एक्स्ट्रा, अगर एक लोगों को 10 रुपये मिल रहा है एक्स्ट्रा तो 6 लोगों के लिए कितना, तो 6 लोगों के लिए उसके पास होना चाहिए 60 रुपये होना चाहिए एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब 50 रुपये के कंपेरिजन में 60 रुपये और ज़्यादा इसके पास है, 110 रुपये, ठीक है, इसके पास कितने आ गए, 110 रुपीज़ आ गए। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू, सारी जगहों पर वैल्यू क्या लिखी, पहले बात तो उसको समझ लो कि यहाँ पर मैंने 1 लिखा क्योंकि पर पर्सन एवरेज बढ़ता है, यहाँ पर मैंने लिखा क्या लिखा, डिफरेंस लिखा, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लो, यहाँ पर मैंने लिखा डिफरेंस, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, करंट क्वांटिटी, अभी ग्रुप में कितने लोग हैं, ठीक है, अभी ग्रुप में कितने लोग हैं, और यहाँ पर मैंने लिखा एक्स, एक्स को याद करते हुए कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी 60, और 60 आपको क्या कर देना है, कभी कभी ऐड करना पड़ता है, कभी कभी सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, वो हम लोग क्वेश्चन पढ़कर समझ जाएंगे। फिलहाल आंसर इस क्वेश्चन का आया 110, ये तो एग्जाम्पल था। अगर मैं ये क्वेश्चन की बात करूं कि यहाँ पे ट्रिक कैसा होगा, पहले बात तो सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते कि इसका आंसर नहीं निकाला, तो इसका जो आंसर सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर होगा कितना, तो आप बोलोगे सर पर पर्सन जो अभी अभी ग्रुप में आया है, टीचर जो आई है अभी अभी ग्रुप में, ये टीचर का
ओरिजिनल एवरेज जो इस ग्रुप का था 35, उससे पैसा ज़्यादा होगा या कम होगा, तो उसके आने की वजह से इंक्रीज हुआ है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, टीचर के पास प्लस रहेगा, बट कितना प्लस, कितना प्लस करूँ मैं, एक्स कितना वैल्यू लूँ। तो आप बोलोगे सर टीचर के आने की वजह से पर स्टूडेंट 400 ग्राम बढ़ रहा था और टोटल अभी ग्रुप में 25 लोग हैं, तो 25 लोगों का 400 ग्राम बढ़ाने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा वैल्यू होनी कितनी चाहिए। एक्स जो है, एक्स कौन है, एक्स जो है वो एक्स्ट्रा वैल्यू है कि ओरिजिनल के कंपैरिजन में, ओरिजिनल एवरेज के कंपैरिजन में आपके पास एक्स्ट्रा वैल्यू कितनी है। कभी कभी एक्स्ट्रा वैल्यू कम भी हो सकती है, ठीक है। तो 25 फोर्जा होता है 100 और ये 00 का 00, बट ये क्या है आपका ग्राम है, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए ये हो जाएगा आपका 1000 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 10 kg। तो टीचर के पास पहले एवरेज की कंपैरिजन में, ओरिजिनल एवरेज के कंपैरिजन में 10 kg एक्स्ट्रा है, यानी कि टीचर के पास वेट कितना है, 45 kg, 45 kg जो है टीचर का वेट है। अब देखो इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में ये जो है कितना सिंपल हो गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आपको लिखनी नहीं है। आप बोलोगे सर बच्चे लोग का प्रीवियस एवरेज जो है 35 था, टीचर का वैल्यू ज़्यादा होगा क्योंकि एवरेज बढ़ गया है उनके आने की वजह से, तो कितना बढ़ा है, पर पर्सन का बढ़ा है 400 ग्राम और अभी ग्रुप में है 25 लोग, तो 25 लोग के कितना होना चाहिए, तो आप बोलोगे एक्स, एक्स कितना आ गया, 10 kg आ गया, 10 kg जस्ट सिंपल कर दो, विद इन 10 सेकेंड आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना, विद इन 10 सेकेंड आपको आंसर मिल जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर निकालूँ तो मैं बोलूँगा कि सर जो मैनेजर है, मैनेजर के आने से उस ग्रुप का जो है एवरेज बढ़ गया, तो मैनेजर के पास ऑफकोर्स 1500 से वैल्यू ज़्यादा होगा, पर कितना वैल्यू ज़्यादा होगा। तो आप बोलोगे सर उसके आने की वजह से हर बंदे के पास 100 रुपये एक्स्ट्रा हो गए। अब कितने बंदे लोग के पास एक्स्ट्रा हुए, टोटल 21 लोग हैं, तो 21 लोगों के पास एक्स्ट्रा वैल्यू होनी कितनी चाहिए, तो आप बोलोगे 2100 होनी चाहिए और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1500 में अगर आप 2100 प्लस कर दो तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3600 जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। विद इन 10 सेकेंड आपको ऐसे क्वेश्चनों के आंसर जो है मिल जाएंगे, अगर आप पैटर्न अच्छी तरीके से समझ जाओगे तो। नहीं समझाए तो दोबारा ये वीडियो देख लेना, कोई इशू नहीं है, आराम से देख लेना, कुछ डाउट रहेगा तो ज़रूर पूछ लेना मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया है कि क्वांटिटी दिया है कितने लोगों का, 40 टीचर्स लोगों का क्वांटिटी जो है वो एवरेज जो है 80 kg है, ठीक, क्वांटिटी जो है 40 है, एवरेज जो है 80 है। इफ़ हाउ वेयर द वेट ऑफ प्रिंसिपल भी इंक्लूडेड, प्रिंसिपल एक ही बंदा है तो प्रिंसिपल का वेट अगर इंक्लूड कर दिया तो एवरेज अब कम हो गई है, कितनी हो गई है, 79 हो गई है, एवरेज हल्का है, सॉरी प्रिंसिपल जो है वेट में कम है, ठीक है ना, ज़्यादा टेंशन लिया होगा तो वजन जो है उसका कम हो गया होगा, तो अब एवरेज क्या है उस ग्रुप का, अब एवरेज है 79, पहले कितना था, पहले एवरेज था 80। तो अब मैं बोलूँगा कि इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं करूँगा मैं, क्योंकि नॉर्मल तरीके से सॉल्व करूँगा तो ये दोनों को मल्टीप्लाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई फिर माइनस, और सिंपल वे में जाऊँ तो मैं बोलूँगा कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पास ओरिजिनल एवरेज से जो कि है 80 वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, एक्स को मैं प्लस कर दूँ या माइनस कर दूँ। तो देखो एकदम सिंपल सा लॉजिक है, अब आप यहाँ पर देखो, मैंने बहुत पढ़ा है तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ बच्चे क्या सोच रहे, कि यहाँ पर डिक्रीज है, इंक्लूड किया गया, यहाँ पर डिक्रीज है तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, माइनस हो जाना चाहिए। ओके, मैं थोड़ी देर के लिए ये सोचने लगा था कि क्वांटिटी जो है माइनस होगी, ठीक है, वो वाला भी क्वेश्चन आएगा फिलहाल, कि टीचर के आने के वजह से, प्रिंसिपल के आने के वजह से आपका एवरेज कम हो गया है तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी उसकी, कम ही रहेगी, ऑफकोर्स कम रहेगी, कितनी कम होगी, उसके आने से वैल्यू एक कम हो गया, ग्रुप में अभी 41 लोग हैं तो 41 kg, 41 लोगों के लिए कितना वैल्यू चाहिए, तो 41 लोगों के लिए चाहिए मुझे 41 kg, और प्रिंसिपल का जो एवरेज है वो हो जाएगा 80 - 41, यानी कि प्रिंसिपल जो है सिर्फ 39 kg का है, प्रिंसिपल कितना है, kg का 39, लॉजिकली मत जाना क्योंकि लॉजिकली इतना हल्का प्रिंसिपल तो नहीं हो सकता, बट फिलहाल जो आंसर आया वो है 39 kg। इस मेथड के कंपैरिजन में, कन्वेंशनल मेथड के कंपैरिजन में ये मेथड जो है आपका बेस्ट है, ट्रिक जो है वो आपका बेस्ट है, और ये ट्रिक नहीं है एक्चुअली, ये पैटर्न है आपका, एक तरीके से मैं ये पैटर्न बना रहा हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ आपको। इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इस फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, कि एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट का मतलब क्वांटिटी हो गया, उनका एवरेज कितना दिया है क्वेश्चन में, कि 12 ईयर दिया है। व्हेन अ स्टूडेंट इज ट्रांसफर्ड टू अनदर क्लास, एक स्टूडेंट चला जाता है तो उनका एवरेज जो है डिक्रीज बाय 0.2, मतलब जो 12 था अब 11.8 हो जाएगा,
और जो पहले 20 बच्चे थे अब कितने हो जाएंगे, सर 19 बच्चे ही बचेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपको अलर्ट रहना है, थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें आपको क्या करना है। जो ट्रांसफर्ड स्टूडेंट है उसका वेट एक्चुअली होना कितना चाहिए। देखो जैसे एक बंदा आपके ग्रुप को छोड़ कर गया, आपकी वैल्यू जो है वो बढ़ गई, सॉरी कम हो गई। पहले वैल्यू कितनी थी, 12 थी, अब वैल्यू जो है कम हो गई। अब आप लोग क्या सोच रहे हो कि सर ओरिजिनल एवरेज तो मेरा 12 है, तो एक्स को क्यों ना मैं यहाँ पर माइनस कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज का वर्ड यूज हुआ है। तो देखो प्रॉब्लम अब यही है कि समझने वाली बात कि जब आपके ग्रुप में से कोई बंदा जाता है, जब आपके ग्रुप में से कोई बंदा लेफ्ट हो रहा है और उसके जाने से आपको नुकसान हो रहा है, तो अगर वो उसके जाने से अगर आपको नुकसान हो रहा है तो ऑफकोर्स वो अमीर बंदा है, वो पैसे वाला बंदा है। अगर वो पैसे वाला बंदा है तभी तो उसके जाने से आपको लॉस हो रहा है, वरना अगर वो गरीब होता, उसके पास पैसे कम होते आपसे, तो उसके जाने से तो आपको प्रॉफिट हो जाता ना, ठीक है ना, उसके जाने से आपको प्रॉफिट हो जाता। या फिर सिंपल अगर मैं बोलूँ तो आपके स्कूल लाइफ में आपने 5 सब्जेक्ट देखे थे, सॉरी 6 सब्जेक्ट देखे थे, तो 6 सब्जेक्ट में मान लो एक सब्जेक्ट में मुझे मार्क्स मिला 85, एक में मार्क्स मिला 40, तो अगर मैं जो कम सब्जेक्ट वाला स्कोर है इसको अपने ग्रुप से बाहर निकाल दूँ, बाहर निकाल दो। देखो जो कम है, जिसके पास एवरेज वैल्यू क्या है, कम है, लेस है, अगर इसको बाहर निकाल देता हो तो आपका एवरेज जो है इंक्रीज हो गया। एवरेज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो गया। बट अगर मैंने ज्यादा वाला बंदा, ज्यादा मार्क्स वाले बंदे को ग्रुप से निकाल दिया तो आपका एवरेज जो है डिक्रीज हो जाता है। देखो इसी में लिए यहाँ पर मेरा एवरेज डिक्रीज क्यों हो, क्योंकि किसी के जाने से मुझे नुकसान हो रहा है, दैट मीन्स उसके पास वैल्यू ज्यादा होगी। क्या मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर वैल्यू उसके पास ज्यादा होगी तभी आपको नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर उसके जाने से आपको प्रॉफिट होता तो उसके पास वैल्यू ऑफकोर्स कम होती, बट उसके जाने से आपको अगर नुकसान हो रहा है तो उसके पास वैल्यू ऑफकोर्स आपसे ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, तो उसके जाने से मुझे नुकसान हो रहा है या डिफरेंस आपका क्रिएट हो रहा है 0.2 का। ग्रुप में अभी 19 लोग हैं, देखो यहाँ पे करंट वैल्यू लिखते हैं हम लोग, करंट क्वांटिटी लिखते हैं कि अभी ग्रुप में कितने लोग हैं, तो अभी ग्रुप में लोग हैं 19 लोग, ये आ जाएगा 3.8 आ जाएगा, क्योंकि 19 को 2 से मल्टीप्लाई करो 3.8, और ट्रांसफर स्टूडेंट का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 15.8। आप चाहिए तो इसको नॉर्मल मेथड से भी अगर सॉल्व करते हो तो भी आपको यही आंसर मिलेगा, 15.8। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर है। आप इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करोगे तो भी आपको आंसर जो है सेम मिलेगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपको कहाँ पर प्लस करना है, स्टेप नंबर वन में कहाँ पर आपको प्लस करना है और कहाँ पर आपको माइनस करना है, थोड़ा सा बस इस बात का ध्यान रखना। पैटर्न जो है बड़ा ही सिंपल है, पैटर्न टू में कोई चेंजेस नहीं है, पैटर्न वन में कभी कभी आपको यहाँ पे प्लस करना पड़ता है, कभी कभी आपको माइनस करना पड़ता है। तो टाइप नंबर सिक्स के पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन में, जो कि पार्ट नंबर वन है, इसका आखिरी क्वेश्चन, जिसमें आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि एवरेज वेट ऑफ 40 टीचर्स, 40 लोगों का ग्रुप है, 40 टीचर लोगों का ग्रुप है जिनका वेट है 80 kg का, 80 kg का, मेरे ख्याल से सेम क्वेश्चन नहीं है, सेम क्वेश्चन नहीं है, 80 kg का। इफ वेट ऑफ वन टीचर्स बी एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड मतलब इस ग्रुप से उस टीचर को बाहर निकाल दिया गया, तो पहले जो ग्रुप था 40 लोगों का हो गया 39 लोगों का, और उसके जाने से आपका वेट जो है फिर से डिक्रीज हुआ है बाय 1 kg, मतलब 80 का कितना हो गया, 79 हो गया, 80 का कितना हो गया, 79 हो गया। तो इस ग्रुप में उस टीचर का एवरेज, उस टीचर की वैल्यू होगी कितनी, उस टीचर की वैल्यू होगी कितनी। तो वही बात है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो जो टीचर है, ओके यहाँ पे प्रिंसिपल, मेरे ख्याल से तो यहाँ पे शायद प्रिंसिपल होगा, कि प्रिंसिपल का जो वेट है, सॉरी यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर टीचर होना चाहिए, क्योंकि 40 लोगों का, तो आपका 40 लोगों का तो आपका टीचर का ग्रुप है ना, तो उसी ग्रुप में से तो एक बंदा जा रहा है, तो मतलब टीचर ही कोई जा रही होगी। जो एक्सक्लूडेड वाली जो टीचर है, जिसको मैं एक्सक्लूड किया गया, उसका वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे सर उसके जाने की वजह से आपको लॉस हो रहा है, दैट मीन्स वो उसके पास वैल्यू ज़्यादा होगा, उसके जाने से आपको लॉस हो रहा है, दैट मीन्स उसके पास वैल्यू ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, तो आप बोलो सर उसके जाने से वैल्यू कम हो रहा है बाय वन, अभी ग्रुप में है 39 लोग, तो एक्स्ट्रा वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो एक्स्ट्रा वैल्यू होनी चाहिए 39, और इस वैल्यू को अगर मैं ये देख लूँ तो 80 + 39 कितना हो जाएगा आपका, 119, मतलब 119 जो है वो आपका आ जाएगा आंसर, 119 क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब मान लो कन्फ्यूजन, अगर मान लो इसमें यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है
कि मान लो कि यहाँ पर डिक्रीज के जगह पर, यहाँ पर डिक्रीज के जगह पर, यहाँ पर डिक्रीज के जगह पर अगर इंक्रीज लिखा होता, यहाँ पर डिक्रीज के जगह पर अगर इंक्रीज लिखा होता कि सर आपके ग्रुप में से तो एक बंदा चला गया, आपके ग्रुप में से तो एक बंदा चला गया है सर, और आपका वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गया बाय 81, इंक्रीज हो गया बाय 1। तो देखो अगर कोई जा रहा है और आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ऑफकोर्स वो कम पैसा लेकर गया है आपसे, तभी आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है और वो चला गया आपके ग्रुप से, दैट मीन्स उसके पास वैल्यू कम रही होगी, तो पहले के कंपैरिजन में वैल्यू कम रही होगी। तो सिंपल क्या कर देना है, आपको 39 को इससे माइनस कर देना है, आपका वैल्यू आएगा 41। आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। तो कभी कभी ग्रुप में से कुछ लोग के जाने से अगर आपको प्रॉफिट होता है तो ऑफकोर्स वो वैल्यू, उनके पास वैल्यू कम है, और उनके जाने से अगर आपको लॉस हो रहा है तो ऑफकोर्स उनके पास वैल्यू ज़्यादा है। थोड़ा सा इसको और प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा इसके क्वेश्चन जो है समझ के इसके ऊपर कमांड लाने की कोशिश करना। टाइप नंबर 6 के पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने ये पढ़ा कि जब एक बड़े से ग्रुप में एक बंदा इंक्लूड होता है, एक ही बंदा इंक्लूड होता है या एक बंदा एक्सक्लूड होता है, और उसके वजह से जो एवरेज में जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसमें आप पैटर्न किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ पैटर्न आप उसका आंसर 10-15 सेकेंड के अंदर कैसे निकाल सकते हो, पूरा कैलकुलेशन अवॉइड करते हुए, वरना आपको ऐसे कैलकुलेशंस जो है करने पड़ सकते हैं जिसके लिए टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग का होता है टाइप नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट। तो नेक्स्ट टाइप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट नंबर 2 से, एवरेज टॉपिक का टाइप नंबर 6, जिसका हम लोग पार्ट नंबर 2 देखने वाले। अब क्योंकि ये टाइप नंबर 6 है तो हम लोग जानते हैं कि टाइप नंबर 6 में एक्चुअली पैटर्न यूज़ हुआ था, किस तरीके का पैटर्न यूज़ हुआ था आप अच्छी तरीके से जानते हो। बट इसके पार्ट नंबर 2 में हम लोग रिप्लेस करने वाली वैल्यू देखेंगे कि अगर रिप्लेस हो गई, पिछली बार हम लोगों ने प्लस 1 यानी कि जब एक बंदा ऐड होगा, जब एक बंदा ग्रुप छोड़कर जाएगा तो कैसा होता है, बट अब हम लोग देखेंगे कि अगर रिप्लेस हो गई वैल्यू तो आप किस तरीके सॉल्व करते हो, या फिर कभी कभी अगर एक की जगह दो लोग ऐड हुए या एक की जगह दो लोग सब्ट्रैक्ट हुए तब आपको इसकी वैल्यू कैसी मिलेगी, कैसे आपको इसका विद द हेल्प ऑफ पैटर्न जो है आंसर निकालना होता है, या फिर थोड़े से और अपडेटेड क्वेश्चन जो है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको पार्ट नंबर 2 में देखने के लिए मिलेंगे। सर इसको थोड़ा कट कर देना। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे, टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1, जहां पर आपको दिया है कि एवरेज हाइट ऑफ 5 मेन इज डिक्रीज बाय 3 kg when वन ऑफ देम वेटिंग, यहाँ पे वेटिंग है, 150 kg इज रिप्लेस्ड बाय अनदर पर्सन। मतलब इसमें क्या दिया है कि मान लो आपके ग्रुप में 5 लोग हैं, अब ये 5 लोगों का एवरेज जो है डिक्रीज हो गया बाय 3, इनका एवरेज दिया नहीं हुआ है, बस ये बोला है कि एवरेज जो है डिक्रीज बाय 3 हो गया। और ये क्यों हुआ, क्योंकि जो बंदा वन ऑफ देम वेटिंग 150 kg, उनमें से एक बंदा जिसके पास 150 kg था वो इस ग्रुप को छोड़कर जाता है, और उसकी जगह पर जो दूसरा बंदा आता है उसके वजह से, ये रिप्लेसमेंट के वजह से उनका जो वेट है, उनका जो एवरेज है वो डिक्रीज बाय 3 kg हो गया। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं एक जगह एक बंदे को भेज रहा हूँ बाहर और एक बंदे को इन ले रहा हूँ और उसके वजह से मेरा एवरेज कम हो रहा है, दैट मीन्स इस बंदे के कंपैरिजन में इस बंदे की वैल्यू कम होगी इससे, मतलब 150 से इसकी वैल्यू कम ही होनी चाहिए, लॉजिकल एकदम नॉर्मल सी चीज़ है, तभी तो आपका एवरेज कम हो रहा है क्योंकि ये ग्रुप में आया ना। तो पहली चीज़ तो मुझे मिल गई, जो बंदा रिप्लेस हो रहा है ना, जो बंदा यहाँ पर रिप्लेस्ड हो रहा है उसके पास जो वैल्यू है वो 150 से कम है। कितनी कम है, पैटर्न से हम लोग सॉल्व करें, कन्वेंशनल मेथड नहीं, पैटर्न सॉल्व करें, कितनी कम है, तो उसके जाने से, उसके रिप्लेस होने से एक बंदे की वैल्यू 3 से कम हुई। देखो जब कम होगा या ज़्यादा होगा आपको प्लस माइनस लिखने का कोई टेंशन नहीं, जितना डिफरेंस होगा बस उतना ही लिखना है, पहले 150 था अभी 1, पहले जो भी एवरेज था अब उसकी कंपैरिजन में एवरेज 3 से कम हो गया, तो जस्ट डिफरेंस ही लिखना है आपको। अभी इस ग्रुप में कितने लोग हैं, पहले 5 लोग थे, अभी भी इस ग्रुप में 5 ही लोग हैं, तो आपको यही आपको निकालना है, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 15, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 135, क्योंकि आप कर दोगे 15 से माइनस। कोई कन्वेंशनल मेथड नहीं, विद इन 10-15 सेकंड के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा, अगर आप पिछला वाला पार्ट, इसका पार्ट नंबर 1 अच्छे तरीके से देख चुके हो तो।
अगर मैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ बढ़ता हूँ कि क्वेश्चन नंबर टू में आपको क्या वैल्यू दिया गया, कि वही बात है कि 19 मैन इन द शिप इंक्रीज बाय 3.5 केजी, 19 मैन लोगों का जो एवरेज है वो इंक्रीज हो गया बाय 3.5 केजी, अगर उनमें से इफ वन ऑफ द मैन हुज वेट इज 79 केजी, मान लो ये टोटल है 19 लोग, मैं पूरा 19 नहीं बना रहा हूँ, मान लो वन ऑफ देम हुज वेट इज 79 केजी इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू मैन, रिप्लेस बाय न्यू मैन, ठीक है, उसके वजह से उनका जो वेट है वो 3.5 केजी बढ़ गया है, तो अगर किसी के रिप्लेस होने की वजह से उनका वैल्यू बढ़ गया तो ऑफकोर्स जो जिस बंदे को रिप्लेस कर रहा है उसके कंपेरिजन में इसके पास वैल्यू ज़्यादा होगी, तभी तो इंक्रीज हुआ है ना, क्योंकि तो उसके जगह पर ये बंदा है तो ऑफकोर्स उससे ज़्यादा वैल्यू लेकर आया रहेगा, तो कितना ज़्यादा, तो एक बंदे का वैल्यू बढ़ा थ्री बाय 3.5, टोटल ग्रुप कितना, टोटल लोग हैं कितने, पहले 19 थे अभी भी 19 ही लोग हैं, क्योंकि ना कोई एक बंदा गया है तो उसकी जगह पर ही एक बंदा आ गया है। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 19 फाइजा एक्चुअली होता है कितना, 19 फाइजा होता है 95, तो 5 कैरी 9 यहाँ पर, 19 थ्री जा कितना होता है 57 होता है, 66 हो जाएगा, तो 66 यानी कि क्या हो जाएगा 66.5, तो अगर मैंने इसको प्लस कर दिया 79 में 66.5 को प्लस कर दिया तो आ जाएगा आंसर 5145.5, मतलब आंसर कितना आएगा 145.5 केजी जो है, जो नया वाला बंदा है उस बंदे के पास इतनी जो वैल्यू है वो आपकी है, इसीलिए उसने जब रिप्लेस किया तो उसकी एवरेज जो है, उस ग्रुप की एवरेज जो है 3.5 केजी से बढ़ गई। तो अभी तक हम लोगों ने एक बंदा ऐड होना, एक बंदा लेफ्ट होना या एक बंदा रिप्लेस होना, वो सारे क्वेश्चन किए। अब ये जो क्वेश्चंस हैं टाइप नंबर क्वेश्चन नंबर थ्री जो है, अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हुए बट ये वाले क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा बेहतर है सॉल्व करने के लिए, आपको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना होगा, टाइप नंबर सिक्स का ये बट थोड़ा सा अपडेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अजीत तेंदुलकर ने हैज़ अ सर्टन एवरेज फॉर नाइन इनिंग, हैज़ अ सर्टन एवरेज फॉर नाइन इनिंग, सर्टन एवरेज, एवरेज नहीं दिया है आपको नाइन इनिंग का, इन द टेंथ इनिंग, उसने टेंथ इनिंग खेला और उसने 100 रन बनाया है उस टेंथ इनिंग में, सेंचुरी मार दी सचिन ने, ठीक है, और उसके वजह से क्या हुआ कि उनका जो एवरेज है, वो इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 8 रन, उनका जो एवरेज है वो 8 रन से बढ़ गया, तो उनका न्यू एवरेज क्या है, न्यू एवरेज मतलब कौन सा न्यू, पहले उसने कितने इनिंग खेले थे, तो थोड़ा सा ध्यान से बात रखना कि यहाँ पर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है कि पहले उसने 9 इनिंग खेले थे और 10th इनिंग जब खेला तो टोटल इनिंग कितने हो गए, टोटल इनिंग तो 10 ही हुए ना, ठीक है, टोटल इनिंग तो 10 हुए, 9 इनिंग का एवरेज कितना दिया है क्वेश्चन में, 9 इनिंग का आपको कोई एवरेज नहीं दिया है, मैं वाई ले रहा हूँ क्योंकि मैं पैटर्न वाले में एक्स जो है वो पैटर्न में लेता हूँ, इसीलिए मैं वाई जो है यहाँ पर ले रहा हूँ, एक्स नहीं ले रहा हूँ मैं। और अब जो उसने 10th इनिंग में जो भी एवरेज बनाया, जो भी रन्स बनाए, जिसके वजह से उनका एवरेज जो है बाय 8 रन से इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ पर लिखो कि सर पहले था y, अब कितना हो गया y प्लस 8 हो गया, पहले कितना हो गया था y, अब y प्लस 8 हो गया, तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। और एक चीज़ और दिया गया है कि 10th इनिंग में, स्पेशली 10th इनिंग में, ठीक है, टोटल 10 नहीं, 10th इनिंग में उसने इंडिविजुअली 100 रन बनाया है, तो अब अगर मैं इसको बोलूं कि इसको पैटर्न से सॉल्व करो, कि कन्वेंशनल मेथड अभी थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा ना, आप इसको चाहिए तो ट्राई कर लेना, बट कन्वेंशनल मेथड थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और माइनस की वैल्यू 100 दी गई है, ठीक है, 9y माइनस, अगर आपको चाहिए तो ये देखो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, पर अगर मैं इसको कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करूँगा तो ये ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से कि इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लो, एक्चुअली ये जो 10y प्लस 80 है ये एक्चुअली आपका पहले आएगा, ठीक है ना, 10y प्लस 80, क्योंकि 10 है ना, इनके पास जो वैल्यू है वो ज़्यादा है ना, तो ये ऐसे आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा, बट अभी तक मैं पैटर्न से जा रहा था, तो जो बच्चे पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, अगर मैं वैसे ट्राई करूं तो इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं? तो जो न्यू एवरेज है, या फिर मैं बोलूँ जो 10th इनिंग है ना, जो न्यू बंदे का हम लोग वैल्यू निकालते थे, वो एक्चुअली इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, जैसे बोलते थे ना कि सर प्रीवियस ओरिजिनल एवरेज कितना है वाई, मुझे इसमें प्लस एक्स करना है या माइनस एक्स करना है, तो प्लस एक्स करना है, क्योंकि इसके आने के वजह से आपका एवरेज बढ़ गया ना, बढ़ गया तो प्लस एक्स करूंगा, और इसकी वैल्यू एक्चुअली आपको क्वेश्चन में 100 दिया गया है,
जो अभी तक हम लोग अभी तक फाइंड आउट करते आ रहे थे वो एक्चुअली क्वेश्चन में दिया गया है। अब कितना बढ़ गया है, अब कितना बढ़ गया है? मतलब x की वैल्यू कितनी होगी वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो अभी तक हम लोग जैसे निकाल रहे थे वैसे ही निकाल लेंगे कि एक बंदे का इनिंग का एवरेज बाय 8 रन बढ़ा है। अभी आपके ग्रुप में 10 लोग हैं, 10 इनिंग है, तो ये हो जाएगा x, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 80। अगर x का वैल्यू 80 है तो ये जो इक्वेशन मैंने बनाया, ये जो इक्वेशन मैंने बनाया, इस इक्वेशन में y की वैल्यू आ कितनी जाएगी? तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20, क्योंकि x का वैल्यू अगर 80 है तो 80 को अगर मैं ये साइड ले लूँ तो माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू, y का वैल्यू आ जाएगा 20। ये y कौन है? नाइन इनिंग का एवरेज है 20 आपका। क्या मैं बोल रहा हूँ? 9 इनिंग का एवरेज जो है 20 है, और 10 इनिंग का टोटल 10 इनिंग, क्योंकि आपको न्यू एवरेज पूछा है। न्यू एवरेज कब होगा? जब आपने सारे इनिंग खेले, मतलब टोटल 10th इनिंग खेल लिए, तो न्यू एवरेज का न्यू इसका एवरेज कितना होगा? तो पहले था y मतलब 20 आ गया, अब है y plus 8 का मतलब आ गया आंसर आपका 28। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 28 आ जाएगा। ये क्वेश्चन से सॉल्व करोगे तो आपको y की वैल्यू तुरंत मिल जाएगी, फिर y में +8 कर देना तो भी आंसर आ जाएगा। बट जो बच्चे अभी तक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको पैटर्न से जाना है तो इस तरीके से, ये तो एकदम नॉर्मल सी चीज़ है। बस ये चीज़ हुआ कि ये जो चीज़ अभी तक हम लोग ढूंढ रहे थे, जो नया बंदा ग्रुप में ऐड हो रहा था, जो कि इस केस में भी हुआ कि नया बंदा ऐड हुआ, उस बंदे का वैल्यू ही क्वेश्चन में दिया गया है। तो प्लस एक्स करने के बाद जो वैल्यू हम लोग ढूंढ रहे थे वो ऑलरेडी दिया गया है। प्लस एक्स किस में कर रहे थे? ओरिजिनल एवरेज में कर रहे थे। तो ये वैल्यू आपको दिया गया है, तो इसी तरीके से आप इसका आंसर जो है निकाल सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसका समझने की कोशिश करेंगे, एक और क्वेश्चन जो है इसी का समझने की कोशिश करेंगे कि एक बैट्समैन है जिसने 12 इनिंग में जो एवरेज स्कोर है वो बनाया है समथिंग, कुछ तो समथिंग बनाया, मुझे नहीं पता, बट सॉरी 12 इनिंग में नहीं, ओके एक सेकेंड, 12th इनिंग में उसने 63 रन स्कोर किया। कितना स्कोर किया? 12th इनिंग में 63 रन स्कोर किया है। ये इनिंग, ये एवरेज नहीं है, वो पर्टिकुलर 12th इनिंग में कितना स्कोर किया है वो। देयर बाय उसका जो एवरेज है वो इंक्रीज हो गया बाय 2 रन। अभी एवरेज इंक्रीज किस में हुआ रहेगा? 12th इनिंग तो उसने अभी अभी खेली है ना, उसके पहले कितना इनिंग खेला होगा? उसके पहले खेला होगा उसने 11 इनिंग। ठीक है, 12th के पहले कौन आएगा? 11 आएगा ना, 11 लोगों 11 इनिंग खेली है उसने, जिसमें कुछ तो उसका एवरेज था। जब उसने 12th इनिंग खेल ली तो उसका एवरेज बढ़ गया बाय 2 रन। उसका एवरेज कितना बढ़ गया? बाय 2 रन से बढ़ गया। तो अगर मैं पूछूं कि अभी उसका जो न्यू एवरेज है, व्हाट इज द एवरेज आफ्टर 12th इनिंग, न्यू एवरेज है वो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर जो न्यू इनिंग है, जो उसने 12th इनिंग का स्कोर ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब प्लस एक्स करके जो वैल्यू निकालते हैं वो ऑलरेडी दिया हुआ है। प्लस एक्स किस में करते हैं? ओरिजिनल एवरेज में करते हैं, वाई में करते हैं। तो ये वैल्यू हम लोग को पहले से मेंशन है, बट एक्स को ढूंढ लेते हैं हम लोग, एक्स कौन है, क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। तो बोलेंगे कि सर एक्स को कैसे ढूंढने है? कि पर पर्सन जो है बाय 2 रन बढ़ रहा है। अभी ग्रुप में कितने लोग हैं? 12 लोग हैं, तो 12 लोगों के पास मेरे पास एक्स्ट्रा वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो एक्स्ट्रा वैल्यू होनी चाहिए 24। एक्स अगर मुझे मिल गया तो वाई कितना मिल जाएगा? वाई मिल जाएगा मुझे 39। वाई अगर 39 है तो वाई प्लस 2 कितना हो जाएगा? वाई प्लस 2 हो जाएगा 41। तो वाई प्लस 2 मतलब कौन? 12 इनिंग का एवरेज आपको मिल जाएगा 41। अगर 11 इनिंग का पूछा रहता तो आप क्या बोलते? 39 जो आएगा वो आपका प्रीवियस इनिंग का, मतलब जो प्रीवियस 11 इनिंग थे उनका जो एवरेज है वो 39 है, और 12th इनिंग खेलने के बाद जो उसका एवरेज है बाय 2 रन बढ़ गया, यानी कि 41 जो आ जाएगा उसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, सो पार्ट नंबर 2 का एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका मैंने एक ही क्वेश्चन डाला क्योंकि इसके जनरली ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट एक क्वेश्चन देखना इसका जरूर जरूरी है, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट इज 35। अगर 40 लोगों का एवरेज वेट है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, 35 है। इफ द वेट ऑफ 2 न्यू स्टूडेंट, दो नए बच्चे हैं, इफ द वेट ऑफ 2 न्यू स्टूडेंट इंक्लूडिंग द एवरेज राइजेस बाय 2 kg, मतलब अगर मैं दो बच्चों को ऐड करूँ, 2 न्यू स्टूडेंट को ऐड कर दूँ, तो इनका जो एवरेज है वो 2 kg से राइज हो जा रहा है। मतलब 35 से कितना हो जा रहा है? 37 हो जा रहा है। 35 से कितना हो जा रहा है? 37 हो जा रहा है। और इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन दोज टू
स्टूडेंट जो अभी अभी उस ग्रुप में ऐड हुए, अगर उनका जो डिफरेंस ऑफ वेट है वो है 2 kg, मान लो एक बच्चा एक्स है, एक बच्चा ए है, दूसरा बच्चा बी है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 2 kg का, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो है 2 kg का, तो उन दोनों के इंडिविजुअल वेट क्या है मुझे वो बताओ, उन दोनों के इंडिविजुअल वेट क्या है मुझे वो बताओ। तो वही बात है कि अब इसको कैसे करेंगे, इसको सिंपल है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। आप अगर नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से जाना चाहते हो तो वो भी सिंपल है, बट कैलकुलेशंस अगर अवॉइड करना चाहते हो तो सिंपल है कि करके आप क्या करोगे, वो जो टू न्यू स्टूडेंट है उनका वेट आपको निकालना है। उनका वेट कैसे निकालोगे, प्रीवियस एवरेज के कंपैरिजन में आपको वैल्यू प्लस करना है माइनस करना है, ऑफकोर्स प्लस ही करना है, बट यहाँ पर 35 नहीं आएगा, यहाँ पर एक्चुअली 35 जो है मैं सिर्फ नहीं लिख सकता, और उसका एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं पहले इसका स्टेप नंबर 2 कर लेता हूँ कि पर पर्सन जो है एवरेज 2 से बढ़ रहा है, वही बोल बात है ना कि स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, एक्स निकालते हैं। एक्स कैसे निकालते हैं कि पर पर्सन बाय 2 बढ़ रहा है, और अभी उस ग्रुप में कितने लोग हैं, 42 लोग हैं, तो 42 लोगों के लिए पास मेरे पास एक्स्ट्रा वेट कितना होना चाहिए, तो 42 लोगों के लिए मेरे पास होना चाहिए 84, तो 84 जो आ जाएगा मेरा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आंसर को आप 35 से प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अब एक स्टूडेंट नहीं है, यहाँ पे दो स्टूडेंट है, और दो स्टूडेंट में प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ओरिजिनल एवरेज होती है, एवरेज तो पर पर्सन होता है ना, तो अगर मैं दो लोगों की बात कर रहा हूँ तो एक ही 35 थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे दो लोग हैं, तो यहाँ पर आपको 35 दो बार प्लस करना पड़ेगा, या फिर इन शॉर्ट में बोलूँ कि एवरेज इंटू 2 प्लस एक्स करना पड़ेगा, ठीक है ना, एवरेज इंटू 2 प्लस एक्स, मतलब दो लोग हैं इसीलिए मैंने क्या किया, एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ पे 3 लोग होते तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली आते नहीं है, बट मान लो अगर आपको इसी मेथड से जाना है और दो बंदे आपको दिख रहे हैं, तो आप जो है ओरिजिनल एवरेज को मल्टीप्लाई बाय 2 करना जरूर करिए, भूलिएगा मत। और एक्स की वैल्यू मुझे 84 मिल गई, तो एक्स की वैल्यू अगर 84 है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 154, यानी कि वो दोनों स्टूडेंट का टोटल वैल्यू जो है 154 है। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ दोनों का इंडिविजुअल वेट क्या है, तो अगर मैं इसको इक्वेशन नहीं बनाऊँ, क्योंकि इक्वेशन बनाने की ज़्यादा आदत नहीं होनी चाहिए, आप बार बार इक्वेशन बनाओगे तो कुछ जगहों पर टाइम वेस्ट होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि दोनों का डिफरेंस अगर 2 kg का है, तो अगर मैं 2 kg निकाल दूँ तो ये हो जाएगा 152, 152 को अगर मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये आ जाएगा 76, और 76 आ जाएगा, और 76 में एक को मैंने 2+ दे दूंगा तो 78 और 76 बन जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इक्वेशन से जाना चाहूँ, जैसे मैंने एक्चुअली क्या किया, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे उन दोनों का डिफरेंस 2 kg का है ना, तो अगर मैंने दोनों का डिफरेंस ही निकाल दिया, ये 2 kg निकाल दिया, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 2 kg अगर मैं इसमें से निकाल दिया, 152 बचा, तो 152 को मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो दोनों बंदों के पास 56, 76, 76 है। अब एक बंदा 2 kg ज़्यादा था ना, मैंने 2 kg ऑलरेडी निकाला भी था, तो एक बंदे को मैंने 2 kg एक्स्ट्रा दे दिया, तो ये दोनों जो है उन दोनों बंदों का इंडिविजुअल वेट आ गया। या इसको नॉर्मल तरीके से जाना चाहो तो आप बोलोगे सर अगर एक बंदे के पास ए है तो दूसरे के बंदे के पास ए प्लस 2 होना चाहिए, और उनका टोटल वेट जो है 154 होना चाहिए, ये बन गया मेरा इक्वेशन। और इससे आपको जो ए है वो मिलेगा आपको 76, और ए प्लस 2 कितना मिलेगा आपको, 78 मिलेगा। तो दोनों भी इंडिविजुअल पर्सन का मुझे जो है वैल्यू जो है यहाँ पर मिल जाएगा, दोनों जो है इंडिविजुअल पर्सन का मुझे यहाँ पर वैल्यू जो है मिल जाएगा। सो यहाँ पर जो होता है हम लोग का टाइप नंबर 6 जो है कंप्लीट होता है, पार्ट नंबर 2 जो है कंप्लीट होता है। और इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि रिप्लेसमेंट वाले जो क्वेश्चन है, या फिर कभी कभी पैटर्न वाले क्वेश्चन थोड़े से इनडायरेक्टली अगर आपको मेंशन किए गए तो आप जो है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि करके इस पैटर्न के क्वेश्चन में हम लोगों ने उस क्वेश्चन को किस तरीके से अरेंज किया गया, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना ताकि कमांड आपका अच्छी तरीके से हो जाए, विद इन 10-15 सेकेंड्स के अंदर जो है आप ऐसे क्वेश्चनों के आंसर निकाल दो। आज के तो लिए यहाँ पर इतना होता है ही। हम लोग का टाइप अगर नंबर आपको सिक्स हमारा जो ये है। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।